और इस वक्त एक बड़ी खबर, कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस का विरोध किया है। उन्होंने पूछा कि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी, साथ ही ये भी कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर देंगे। पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है, आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया, अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। शनिवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला किया। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पांच बड़े पॉइंट हैं, जिनमें पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और पांचवा ग्रेच्युटी शामिल है। 25 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन के कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी DR के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त उसे एक मुश्त राशि भी मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यह खुद तय कर सकेंगे कि वो NPS में बने रहें या UPS में शामिल हों। ये योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक NPS के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान किया है। अब आपको बता देते हैं एनपीएस से कैसे अलग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना भी करते हैं आपको और ये भी बताते हैं कि अगर ओपीएस से इसकी तुलना करते हैं तो ये कितना सही है। आसान भाषा में समझिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हर बात। जी हाँ, पहले ओपीएस, फिर एनपीएस और अब ये यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको सरकार ने मंजूरी दी है वो एनपीएस से कैसे अलग है और क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रही है। तो इसकी सफाई मैं आपको दे दूं कि सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तहत 50% आपकी बेसिक सैलरी का पेंशन मिलेगा, इस बात की गारंटी सरकार आपको दे रही है। अब ये 50% जो है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो आपने रिटायर होने से पहले 12 महीने की जो आपकी बेसिक सैलरी रही है उसका मंथली एवरेज बेसिक सैलरी निकाला जाएगा यानी औसत निकाला जाएगा और फिर जो औसत बैठेगा उसका 50% कम से कम आपको पेंशन मिले, इस बात की गारंटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर दी गई है। लेकिन इसमें एक शर्त है,
कम से कम आपकी नौकरी की अवधि 25 साल होनी चाहिए। अब आप पूछें कि 25 साल से कम है तो क्या होगा, तो अगर 25 साल से कम है तो उसी अनुपात में आपका पेंशन कम हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि 10 साल तक किसी ने नौकरी कर ली है तो कम से कम 10,000 रुपये मंथली पेंशन मिलता रहे, यह सुनिश्चित कर दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना रही है, तो ऐसा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम से इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना ना करें, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही थी, एनपीएस के तहत सरकार और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन दे रहा था। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत क्या है, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 10% होता था, हम आप जो कंट्रीब्यूट 10% सरकारी नौकरी वाले कर रहे थे वो 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सरकार जो है अब 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगी। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत है। और दूसरी बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो 18.5% का कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही है, इसकी समीक्षा हर 3 साल पर की जाएगी। और समीक्षा करके ये देखा जाएगा कि क्या ये 18.5% जो है इसको बढ़ाने की जरूरत है क्या, घटाने पर तो सरकार विचार नहीं करेगी। लेकिन इस समीक्षा के दौरान किसी भी सूरत में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यानी कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में विचार नहीं किया जाएगा, या फिर कहें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है, ये अगले कारोबारी साल से लागू हो रही है, यानी 1 अप्रैल 2025 से। अब आप पूछेंगे कि जिन लोगों ने एनपीएस को चुन लिया है, नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या, तो उनके लिए सरकार ने राहत दी है। आप बिल्कुल ठगा हुआ महसूस ना करें, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, एनपीएस को चुन लिए हैं, तो आप चाहें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को आप यहां पर अपना सकते हैं। अब यूपीएस को अपनाने की कोई समय सीमा नहीं है, सरकार का मानना है कि 90% से ज़्यादा लोगों के लिए यूपीएस फायदेमंद है, तो आप भी अपना तुलना कर लीजिए और चाहे तो जब चाहें आप यूपीएस में आ सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने 2004 के बाद रिटायरमेंट लिया है एनपीएस के तहत, वो तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हों कि हम तो रिटायर भी हो गए, एनपीएस ले लिया था, अब क्या करें। तो वहां भी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है और ये कहा है कि 2004 के बाद एनपीएस के तहत जो लोग रिटायर किए हैं, वो अगर चाहते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आ सकते हैं। ऐसी सूरत में उनको एरियर का भुगतान किया जाएगा, जो एरियर बनेगा उस पर सरकार ब्याज भी देगी, जो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज है वो ब्याज यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। इसमें एक और बात है, फैमिली पेंशन, अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो परिवार को फैमिली पेंशन दी जाएगी। वो फैमिली पेंशन अंतिम पेंशन जो पेंशन धारक ने लिया होगा उसका 60% के बराबर का दिया जाएगा। एक और है कि जो लोग सुपर एनुएट हो जाते हैं, तो सुपर एनुएट हो जाते हैं या फिर वैसी सूरत में सरकार क्या कर रही है कि आपको जो है सो ग्रेचुटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लमसम आपको अमाउंट दिया जाएगा। वो लमसम अमाउंट जो है सो वो आपके सैलरी का, एक महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा होगा और इसमें भी आपको किसी भी तरह का पेंशन पे एश्योर रिटर्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप वीआरएस ले रहे हैं। तो यहां बता दूं, वीआरएस ले रहे हैं तो अगर 60 साल की उम्र से पहले वीआरएस ले लिए तो पेंशन आपको 60 साल की उम्र में ही चालू होगा, लेकिन बाकी की सुविधाएं आपको यहां पर मिलती रहेंगी। और एक और बात, इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी शामिल किया गया है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी, जैसे डीए मिलता है मौजूदा कर्मचारियों के लिए, वैसे वहां पे आपको डीएलएनस रिलीफ यानी डीआर की सुविधा यहां पर की गई है। इस पूरी व्यवस्था के तहत जो है सो सरकार का मानना है कि एरियर के तौर पर करीब 800 करोड़ रुपये जाएगा और पहले साल में करीब 6,250 करोड़ रुपये जाएगा लागू होने के पहले साल में, और हर साल ये रकम बदलती रहेगी। लेकिन बिल्कुल अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अगर आपने एनपीएस चुन लिया है तब भी आप ले सकते हैं, एनपीएस के तहत रिटायर किए तब भी आप ले सकते हैं, और 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लागू करने जा रही है। लेकिन इसको कतई भी ओल्ड पेंशन स्कीम से तुलना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोनों शर्तें अलग अलग हैं। एनपीएस से ज़रूर आप इसकी तुलना कर सकते हैं, तो एनपीएस के मुकाबले मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।